लाहौर के बाद खबर शामिल करते चले फतवाल से, जहां हुकूमत पंजाब की तरफ से गरीब अवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते बाजार का इनेकाद किया गया और इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे कमर उज़मान इनकलाबी से। जी इनकलाबी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ सस्ता रमजान बाजार, जो हुकूमत पंजाब डीसी सरगोधा की हदायत पर यहाँ पर आवाम के लिए सस्ता रमजान बाजार लगाकर गरीब लोगों के लिए सब्सिडी फराहम की गई है, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर बलवाल बिलावल अली हंजरा कर रहे हैं। इस मौका पर उनका कहना है कि रमजान बाजार के हवाले से हमारा जो है यहाँ पे गवर्नमेंट 2 रमजान बाजार इस्टेब्लिश करने जा रही है। उसमें गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक वहाँ पे सस्ती सब्जियाँ, चीनी, आटा, दालें और गोश्त वहाँ पे वाफर मकदार में अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है वो है वीट प्रोक्योरमेंट, उसके लिए हमने अपने जो सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश कर लिए हैं बारदाना। पंजाब की हदायत पर आला क्वालिटी की सब्जियाँ, फल, दालें और बेसन अजान इरखों पर फरहमी की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने 13 आइटम पर 25% रिटेल रेट से सब्सिडी दी है। इन 13 आइटम में आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, कद्दू, सेब, केला, खजूर, दाल, चना, बेसन, लीमू, लहसुन, अमरूद वगैरह शामिल है। और इन 13 आइटम्स पर हमारी सब्सिडी इंशाल्लाह ताला 25 शबान 9 अप्रैल से कल से इंशाल्लाह ताला जारी होगी है। गवर्नमेंट की हदायत हमें मौसूल हो चुकी है, कल से आवाम को इंशाल्लाह ताला रमज़ान पैकेज के तहत रिलीफ मिलेगा। जैसा कि जावेद चौधरी साहब सच्ची मार्केट कमेटी का कहना है कि पिछले रमजान की तरह इस बार भी आवाम को सस्ता रिलीफ दिया जाएगा, भरपूर इकदाम कर लिए गए हैं। इंशाल्लाह हर चीज़ पर सब्सिडी, जो कि हुकूमत की मुकर्र करदा रेट पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। जी कमर उज़मान इनकलाबी, बिग न्यूज़ भलवाल। बहुत शुक्रिया इनकलाबी तफसीलात से आगाह करने का।